हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक कुकिंग चैनल। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम छोले और दो आलू को उबाल लिया है। उबालते समय मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाली थी। गैस पर रख दीजिए पैन। पैन में डाले आधा कप तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दीजिए एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई, एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। गैस की आँच हमें कम रखनी है और लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसमें डाल दीजिए एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें डाल दीजिए एक कटा हुआ टमाटर। हमें टमाटर को भी अच्छी तरह से गलने देना है। 1/3 चम्मच नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। अब इस टमाटर को हमें 2 मिनट तक पकने देना है। इसमें डाल दीजिए एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच मैगी सब्जी मसाला। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। हमें इस मसाला को 2 मिनट तक फ्राई करना है। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें डाल दीजिए उबले हुए आलू और छोले। इसे मिला लीजिए। स्वादनुसार नमक। याद रखिए कि हमने टमाटर गलने के लिए भी नमक डाला था, तो थोड़ा सा कम ही नमक डालें। अब हमें इसे ढक्कन रखकर 10 मिनट तक पकाना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी अच्छे से पक चुके। इसमें लास्ट में डाल दीजिए कसूरी मेथी और इसे मिक्स करें। कसूरी मेथी डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक और पकाना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, छोले की सब्जी तैयार है। इस छोले की सब्जी को आप पूरी के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब